हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरे बेस्ट ऑफ साउथ के सीरीज में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ तमिलनाडु के एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान श्रीरंगम में। पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रीरंगम में स्थित भगवान शिव के पंच तत्वों में जल तत्व शिवलिंग के दर्शन कराए थे और उसके साथ में हम ऊंची पिलियार गणेश मंदिर में भी गए थे, जो एक नंदी के आकार में एक पर्वत है और उसके ऊपर भगवान गणपति का मंदिर है। आज के वीडियो में मैं आपको श्रीरंगम के मुख्य मंदिर, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा फंक्शनिंग टेम्पल है, क्रियाशील मंदिर है, कंबोडिया के अंकुरवाट को दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, लेकिन वो फंक्शनल मंदिर नहीं है, लेकिन श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर अभी भी क्रियाशील है और ये मंदिर में अभी भी पूजा होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन करेंगे और मैं आपको इस मंदिर में जाने की, यहाँ पर दर्शन करने की, इस मंदिर की पौराणिक कथा क्या है, यहाँ की वास्तुकला क्या, इन सारी चीजों की मैं जानकारी आपको काफी डिटेल में देने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं श्रीरंगम बस स्टैंड से। ये सिटी बस स्टैंड है। जब आप श्रीरंगम के लिए आएंगे तो आपको त्रिचिरापल्ली यानी त्रिची एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आना होगा और वहाँ से फिर आप सिटी बस लेकर या ऑटो रिक्शा लेकर आप यहाँ श्रीरंगम तक पहुँच सकते हैं। ये जो मेरे पीछे है, ये श्रीरंगम का सिटी बस स्टैंड है। सारी बसेज और ऑटो आपको यहाँ पर लाएंगी और यहाँ से जो मंदिर है सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर का जो मेन गोपुरम है, राजा गोपुरम, वो बिल्कुल पास में ही है, तो यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप श्रीरंगम में स्टे कहाँ कर सकते हैं। श्रीरंगम बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ दूर दूर तक होटल्स फैले। ये आप मेरे सामने देखिए, ये श्रीरंगम का जो श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर है उसका मेन गोपुरम है, जो राजा गोपुरम है, और यही मंदिर का मेन एंट्रेंस है। तो इसके ठीक सामने यहाँ जो फर्स्ट होटल है, इसका नाम है पिलिग्रिम पैलेस। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी इस होटल की दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको नंबर और अंदर से बता देता हूँ ये होटल, ताकि जब आप यहाँ पर आए तो बिल्कुल मंदिर के गोपुरम के पास, ये राजा गोपुरम के बिल्कुल पास में ही आप यहाँ पर इस होटल में स्टे कर सके। काफ़ी बजट में है ये। नॉन एसी रूम 800 रुपये और एसी रूम 1200 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जस्ट मंदिर के जो मेन गेट के सामने ही। तो ठीक है, ये होटल मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम श्री रंगनाथ मंदिर के जो राजा गोपुरम है, जो मेन गेट में हम एंटर करके अंदर आ गए हैं। आमतौर पे तमिलनाडु में जितने भी बड़े मंदिर हैं, सब में चार गोपुरम होते हैं और जो गर्भगृह होता है वो तीन या पांच घेरे के अंदर होता है, लेकिन श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के 21 गोपुरम है। इस मंदिर के कुल 21 गोपुरम है और मंदिर के 7 घेरे हैं। तो अभी ये जो गोपुरम है, ये पहला गोपुरम है और हम पहले गोपुरम से अब मंदिर में प्रवेश करते हुए हम पहले घेरे में जा रहे हैं। जब आप मंदिर के पहले गोपुरम में प्रवेश करके अंदर आएंगे तो देखिए, आपको पूरा बाजार दिखाई देगा। ये मंदिर के अंदर पूरा बाजार है। यहाँ पे दूर दूर तक ये आप देखेंगे पूरा दुकानें हैं। ये मंदिर का पहला घेरा है, ये घेरे के अंदर ही सारे दुकान और मार्केट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है। ये आप देखेंगे, यहाँ पे भी रास्ता गया है और यहाँ पे भी रास्ता गया है। आगे सारी बाउंड्रीज है और ये मंदिर के अंदर का कॉम्प्लेक्स का है। ऐसे भारत में कहीं दूसरी जगह देखने नहीं मिलेगा कि मंदिर के अंदर ही इतना बड़ा मार्केट लगा हो। आगे का जो गोपुरम आपको दिख रहा है, ये मंदिर का दूसरा गोपुरम है और दूसरे गोपुरम में अभी हम प्रवेश करते हैं। ये अब हम मंदिर के दूसरे घेरे में जा रहे हैं। ये दूसरे गोपुरम को पार करके अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अंदर जब आप आएंगे ये दूसरे घेरे के अंदर भी, तो यहाँ पर भी आपको सारे बाजार और दुकान दिखाई देंगे। दूसरे घेरा जो है, जैसे पंडा और ब्राह्मण के घरों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कई सारे जो मंदिर के पुजारी ब्राह्मण रहते हैं। ये मंदिर का अभी तीसरा जो गोपुरम है उसमें हम आए और यहाँ पर शेड लगा हुआ है तो ऊपर से गोपुरम दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर तक अभी तक ये तीसरे गोपुरम तक पूरा बाजार और लोगों के घर हैं। तो मंदिर के तीन घेरों को पार करके अभी हम चौथे घेरे में आ गए और यहाँ पर ये चौथा गोपुरम है। यहाँ से जो है मंदिर की बाउंड्री है और यहाँ से पूरा मंदिर को घेरा किया हुआ है। अभी तक जितने बाहर थे, मार्केट और घर थे, बैंक थे, एटीएम थे, आपको रेस्टोरेंट होटल सब अभी बाहर मिल जाएंगे, लेकिन जब आप इस चौथे गोपुरम के अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर आप पूरे मंदिर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर बाकी के सारे अंदर मंदिर है। चौथे गोपुरम में अंदर जाने के लिए यहाँ पर लॉक रूम और शू स्टैंड है, तो आप अपने जूते यहाँ निकाल सकते हैं। आपके पास कोई बैग लगेज है तो वो आप यहाँ पे रख के फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और अभी मंदिर में प्रवेश करते हैं।
दोस्तों जब आप चौथे घेरे के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक मंडप दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 960 पिलर्स का मंडप है ये चारों तरफ, और यहाँ पर घोड़ों के और घोड़सवारों के बहुत अच्छे अच्छे इसमें मूर्तियाँ लगाई गई है। आप ये देखेंगे तो ये सारे मूर्तियाँ इसमें लगी हुई है, और ये काफ़ी पुराना मंडप है, बहुत अच्छा इसमें काम किया हुआ है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। और इसके अंदर जब आप ये मंडप के अंदर आएंगे तो ये यहाँ पर आपको सामने एक सहस्त्र मंडप दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये और महिलाएं पूजा कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो जब आप इसके अंदर आएंगे जो अपने चौथे और पांचवे घेरे के बीच में, ये एक सहस्त्र मंडप है यहाँ पर और लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। और जैसे आप इस मंडप को पार करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर का पांचवा घेरा दिखाई देगा, और इस घेरे के पास यहाँ जो चक्रपाणि मंदिर, भगवान विष्णु का जो सुदर्शन मंदिर है, वो यहाँ पर प्रमुख है। तो ये घेरे में आप जैसे देखेंगे तो वहाँ पर है कॉर्नर में, मैं आपको करीब से मंदिर दिखा देता हूँ, चक्रपाणि मंदिर। तो ये चक्रपाणि मंदिर इस घेरे में आता है, और इसके बाद फिर ये मंदिर का गोपुरम है, और हम इस गोपुरम को पार करके अब अंदर वाले घेरे में जाएंगे। और आप जब इस घेरे में आएंगे तो यहाँ पर गरुड़ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल, ये आप देख रहे हैं, ये जो है गरुड़ जी का मंदिर है, और इसके अंदर गरुड़ जी की बहुत बड़ी बहुत विशाल मूर्ति है। तो ये इस घेरे के अंदर, पांचवे घेरे के अंदर आपको ये गरुड़ जी के दर्शन होंगे। कैमरा से मैं आपको वो मूर्ति नहीं दिखा सकता, तो लेकिन मैं मंदिर आपको दिखा रहा हूँ बैक साइड से। यहाँ पर आप गरुड़ जी का दर्शन करेंगे, इसे गरुड़ मंडप कहते हैं। यहाँ पर ये जो मंडप है, ये हॉल है, यहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, और ये गरुड़ जी का मंदिर है, और इसके बाद फिर हम आगे वाले घेरे में जाते हैं। गरुड़ मंडप के बिल्कुल सामने जब आप ये देखेंगे तो आपको श्री वैकुंठ भगवान का मंदिर मिलेगा। ये जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है, और ऐसा माना जाता है श्री रंगनाथ जी का जो प्राचीन मंदिर था वो यही था। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर के अगले घेरे की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर एक गलियारा है, उस गलियारा से चलते हुए मैं आपको श्री रंगनाथ मंदिर की कहानी बताता हूँ। ये जो मंदिर की कहानी है, इसमें कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा मंदिर, जितनी बड़ी ये मंदिर है उतनी ही इसमें कहानी है। जो पहली कहानी शुरू होती है वो ऋषि सप्तऋषि गौतम से शुरू होती है। गौतम ऋषि वही थे जिनके तपस्या के वजह से नासिक में गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। जब उन्हें गौहत्या का दोष लगा था और उन्होंने उन्हें अपना आश्रम छोड़ के, नासिक से उन्हें आश्रम छोड़कर निकलना पड़ा था, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ भगवान विष्णु की आराधना की थी, और भगवान विष्णु ने स्वयं ये श्रीरंगम की जो भूमि थी वो गौतम ऋषि को वरदान में दी थी। और इसके बाद की आगे की कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम श्री रंगनाथ स्वामी के जो बहुत महत्वपूर्ण घेरे में आए हैं, जब आप इस घेरे में आएंगे तो आपको इस घेरे में चक्र पुष्करणी नाम का एक सरोवर मिलेगा, जो गोल आकार में है, एक सरोवर है, ये सरोवर मेरे बगल में है। और यहीं पे पास में महालक्ष्मी का मंदिर है, नरसिम्हा जी का मंदिर है, वासुदेव जी का मंदिर है, वैकुंठ भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर और तीर्थ इस घेरे में मिलेंगे। और उसके साथ साथ में यहाँ पर एक कंभ मंडप है। कंभ मंडप वो जगह है जहाँ पर ऋषि कंभ ने कंभ रामायण लोगों को, जनता को सुनाया था। तो वो मंडप बिल्कुल महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है उनके सामने है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस घेरे में मिलेंगे। आगे चलता हूँ मैं, आपको और बताता हूँ रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर में आपको क्या देखेंगे। इसी घेरे में श्री महालक्ष्मी जी विराजमान है, जिन्हें यहाँ पर श्री रंग नायकी कहते हैं। महालक्ष्मी मंदिर यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दूसरा प्रमुख मंदिर है। श्री रंगनाथ मंदिर विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ाने वाला अद्भुत महाविष्णु मंदिर है। त्रेता युग में भगवान श्री राम से लेकर अब तक हर युग में इस मंदिर को सजाने का काम हुआ है। यहाँ चोला, पल्लव, पांडियन, विजयनगर साम्राज्य जैसे अनेक राजवंशों द्वारा बनाए गए शिल्पकला को देखने मिलता है। छठे घेरे के दक्षिण भाग में मंदिर के सातवें घेरे में जाने का दरवाजा है। मंदिर का सातवां घेरा भव्य है, जहां भगवान श्री रंगनाथ जी का निज मंदिर और गर्भगृह है। इसी घेरे में आचार्य रामानुज जी की समाधि, विभीषण मंदिर, हनुमान मंदिर जैसे अनेक देवताओं के मंदिर हैं।
मंदिर का शिखर स्वर्ण मंडित है। दर्शन के बाद पीछे से शिखर का दर्शन होता है। ऐसा माना जाता है दक्षिण के राजा धर्मराज वर्मा ने यहाँ स्थापित मूर्ति पहली बार अयोध्या में देखी थी। इस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी और भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वो यहीं रहेंगे। त्रेता युग में लंका युद्ध के बाद भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए विभीषण अयोध्या गए थे। तब उन्होंने ये मूर्ति प्रभु श्री राम से मांगा था और मूर्ति को लेकर लंका जा रहे थे। तब रंगनाथ जी ने यहाँ कावेरी नदी के मध्य द्वीप पर विभीषण से कहा कि धर्मराज वर्मा ने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की है, इसलिए मेरी इच्छा यहीं स्थापित होने की है। मैं लंका की ओर मुख करके दक्षिण मुख होकर यहाँ स्थित रहूंगा। और ऐसा माना जाता है विभीषण प्रतिदिन लंका से ही श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया करते थे। तो दोस्तों, अभी मैं दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहा हूँ। मंदिर का जो सातवां घेरा है, आखिरी घेरे में मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से तमिलनाडु में घूम रहा हूँ, लेकिन आज जब मैं श्रीरंगम में आया तो श्रीरंगम के आज मैंने तीन मंदिर में विजिट किए, जम्बूकेश्वर में, उच्चे पिलियर टेम्पल में, अभी यहाँ पर रंगनाथ स्वामी टेम्पल में। और तीनों जगह एक चीज़ अच्छा लगा कि गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन कराया जाता है। आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से गर्भगृह में सामने से जाकर। नहीं तो बाकी ज़्यादा सारे टेम्पल में थोड़े डिस्टेंस से ही दर्शन कराया जाता है। और यहाँ पे जो मंदिर का जो टाइम है, मंदिर दिन में चार बार खुलता और बंद होता है। सुबह 5:30 बजे से लेकर मॉर्निंग 8 AM तक पहली बार मंदिर खुलता है, फिर 1 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है और फिर 9 बजे मंदिर ओपन होता है। 9 से 12:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है, फिर मंदिर बंद होता है, फिर दोपहर को 3 बजे मंदिर खुलता है और शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है, और उसके बाद फिर 5:30 बजे बंद होता है और शाम को 7 बजे खुलता है। 7 से लेकर रात के 9 बजे तक फिर मंदिर में दर्शन होती है। तो ये मंदिर के टाइमिंग है और बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। और मेरे साथ यहाँ पर मंदिर में मुझे मिले हैं शशि एंड सतीश, ये भी यहाँ पे दर्शन करने आए। तो हम लाइन में थे और काफ़ी अच्छी अब फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे और अभी मंदिर के बाहर जा रहे हैं। मैं आपको और मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ। तो दोस्तों, मंदिर में दर्शन करके अभी मैं मंदिर के पास में ही, यहाँ पर मंदिर के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आपको खाने के लिए बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ मंदिर के जस्ट पास में ही अर्चना रेस्टोरेंट है, अर्चना अन्ना लक्ष्मी रेस्टोरेंट, जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, और यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है। मैंने 2-3 लोगों से कन्फर्म किया फिर यहाँ पर आया। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इनका जो प्राइस भी है रिजनेबली रेट है। और मैंने यहाँ पर अभी अपने लिए राइस मंगा लिया, फ्राइड राइस। मैं यहाँ पे खाना खाऊंगा और फिर मैं यहाँ से अपने होटल में चले जाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही, और आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट, बाय, सी यू, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।